मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शी नेचर ब्यूटी चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक न्यू रेमेडी के साथ आई हूँ जिसे बनाना बिल्कुल इजी है। इस रेमेडी को आप अगर फेस पर लगाएंगे तो आपका जो फेस है बिल्कुल शाइन करेगा, ग्लोइंग करेगा। ग्लोइंग के साथ साथ आपके फेस में जो भी काले धागे धब्बे वो दूर हो जाएंगे और झुर्रियां भी बिल्कुल कम हो जाएंगी और इसके साथ जो आपका चेहरा है वो बिल्कुल टाइट सा नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा फेस पैक है जिसको फेस पर लगाने से आपका जो फेस है वो बिल्कुल टाइट टाइट के साथ सुंदर दिखाई देगा। आइए मेरे साथ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे खाली बाउल, उसमें डालेंगे एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और एक चम्मच चावल का आटा और इसमें डालेंगे एक या दो चम्मच छाछ, इसको हम बोलते हैं लस्सी और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाटर मिल्क। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारे फेस में लगाने के लिए रेडी हो सके, ये वाला लेप। फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी जो है वो ठंडी होती है, ये हमारे फेस को ठंडा रखती है, हमारे फेस में जो सूजन है उसको कम करती है, हमारी फेस में जो डेड स्किन है उसको भी बाहर निकाल के फेंकती है और हमारा चेहरा जो बेदाग बनता है और इतना सुंदर और ग्लोइंग और नेचुरल ग्लो देता है कि सभी देखकर बोलेंगे कि आपके फेस में इतनी चमक कहाँ से आई। ये सारा कमाल घर की इंग्रेडिएंट से है जो हमारे किचन में सारी उपलब्ध होती है। जो चावल का आटा है वो भी हमारे फेस को बिल्कुल टाइट करता है और हमारे फेस के रंग को निखारता है, लाइट करता है, हमारे फेस का जो कलर है उसको थोड़ा लाइट करता है और हमारी स्किन को टाइट बनाता है। फ्रेंड्स, जो तीसरा इंग्रेडिएंट लस्सी का है, लस्सी में पाया जाता है विटामिन डी जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस लेप को अपने फेस पर अच्छी तरह से लगा लेना है, अपने फेस को अच्छी तरह से कवर कर लेना है ताकि जो इसके जो भी इसकी विटामिन से वो हमारे फेस में आ जाए। फ्रेंड्स, मेरा जो फेस है अब सूख चुका है, सूखने के बाद अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, देखो मेरा जो चेहरा है बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल क्लीन सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय।